अब देखो सेकंड क्वेश्चन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। एक स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम और दूसरे का दे रखा है -0.8 माइक्रोकूलम जो कि एयर में रखे हुए हैं, और एयर में रखने के बाद उन पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है 0.2 न्यूटन। अब फोर्स अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव, देखो दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के, तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। तो अट्रैक्टिव फोर्स कितना है 0.2 न्यूटन। तो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है और व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्फीयर की वजह से सेकंड पर फोर्स कितना होगा, ठीक है। देखो एक स्फीयर मानो ये है और एक स्फीयर ये है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो आर है और इस पर जो चार्ज है वो मान लो आप जीरो पॉइंट, फर्स्ट पर कितना है 0.4 माइक्रोकूलम और इस पर कितना है -0.8 माइक्रोकूलम, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा और अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो कितना है 0.2 न्यूटन ये। अब देखो मुझे R निकालना है, तो कूलम्स लॉ की हेल्प से मैं R इजिली कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ तो F बराबर क्या आ जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब वैक्यूम में रखें एयर में रखें तो ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। तो वैक्यूम में रखें या एयर में रखें तो K की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 × 10⁻⁹, और क्यू वन कितना है 0.4 माइक्रो कूलम, यानी माइक्रो मतलब 10⁻⁶, और Q2 कितना है 0.8, तो कितना जाएगा 0.8 × 10⁻⁶ माइक्रोकूलम, मतलब इतना 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर बराबर F कितना दे रखा है 0.2 न्यूटन। अब मैं आर स्क्वायर को यहाँ लेके जाऊँगा तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू वॉट 0.4 × 0.8 × 10⁻½, ठीक है, अपॉन 0.2। अब मैं जब इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ से जो R की वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी वो आएगी 0.12 मीटर, ये तो आएगा आपका R, ठीक है। अब देखो अब मुझे सेकंड क्वेश्चन करना है, बोल रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो यहां मैं एक्चुअल में क्या दे रखा था, इस पर चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम है और इस पर -0.8 माइक्रोकूलम है, और इन पर फोर्स कितना एग्जैक्ट हो रहा है 0.2 न्यूटन। या फर्स्ट वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाए या सेकंड वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, फोर्स तो सेम ही रहेगा ना, उसने फोर्स दे रखा है हमें 0.2 न्यूटन, हमें क्या कैलकुलेट करवा रहा है सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, तो फर्स्ट की वजह से सेकंड स्फीयर पर कितना फोर्स लगेगा, यानी इस सेकंड स्फीयर पर फर्स्ट की वजह से कितना फोर्स लगेगा, सेम फोर्स एग्जैक्ट करेगा 0.2 न्यूटन। तो आंसर क्या होगा, मेरा आंसर होगा बी का, द सेम फोर्स 0.2 न्यूटन इज एग्जर्टेड ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। क्लियर है, इसको नोट करो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड।